हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले सो देख लेते हैं। हम लोग आज कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। मतलब हम इस टॉपिक को क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बुआ। इस टॉपिक से आपका इसमें एक्सरसाइज बनेगा, इसमें कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे एक वन बाय वन। तो आप इसे थ्योरम फर्स्ट ले सकते हो, थ्योरम फर्स्ट। इसमें थ्योरम फर्स्ट का आपको फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, और इसका सेकेंड पढ़ना पड़ेगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बुआ ये फार्मूला आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, टेंथ में इसे नहीं पढ़ाया गया था, इलेवेंथ में पढ़ना है। और इस फार्मूला का हमें यूज होती है, और ये कैसे आया, जैसे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्यों आया, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। क्या करेंगे बाबू, एक एक्सिस बना लो बाबू, फिगर अच्छे से समझ लोगे तो आई थिंक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, देखो फिगर यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। बाबू हम लोग सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, रेडियन डिग्री पढ़ रहे हैं, तो हम पहले इसमें सर्कल एक बना लेते हैं, सर्कल बना लिए। ओके, और यहाँ से एक रेडियस लेते हैं और इधर से भी एक रेडियस लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मीट करते हैं। ओके, और इसको थोड़ा एक और रेडियस इधर से ले लीजिए, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से इसको मीट करते हैं। तो बाबू देखोगे यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे ये मैंने बताया था कि एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो हम लोग प्लस लेंगे और क्लॉक वाइज जाएगा तो हम लोग माइनस लेंगे, मैंने बताया था आपको। तो ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो यहाँ पे कौन कितना एंगल बनेगा, ए। और ये जब नीचे की ओर जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस में बनेगा, तो हम इसको मान लेते हैं माइनस बी। और यहाँ से ये फिर यहाँ गया तो फिर एंगल चेंज होगा ना, बिकॉज यहाँ से ये यहाँ गया ए हो गया, तो फिर यहाँ से लेगा यहाँ जाएगा तो इसका भी एंगल चेंज होगा, तो इसको हम मान देते हैं बी का। तो बुआ जब बी हो गया तो पहले इसको डिनोट बी हो गया, तो पहले हम इसको नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। जब पी क्यू आर रख लिए और यहाँ से यहाँ तक हम इसको वन मान लेते वन लेते हैं, तो ये वन और जीरो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका भी मान दे दो एल। ओके, मान दे दीजिए, और इसका भी दे दो, जब दिए तो सबका दे दो एम एन, ओ तो है ही, पी क्यू आर हो गया, यहाँ पे दे दो कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे टी दे दो। ओके, तो मैंने नाम दे दिया। तो बुआ ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पहले बताया था कि एक्स को कॉस मानना है और वाई को साइन मानना है। तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कॉस ए और साइन ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका एंगल क्या है, ए है। ओके, इसका क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस बी और क्या हो जाएगा, साइन माइनस बी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस बी ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी, इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और क्यू का क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब इस ट्रायंगल में होगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, ये इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आई होप कि आप ये फिगर समझ गए होगे, फिगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको बैक कीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और ये बाबू यहाँ इस पे लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज लिख लोगे, कैसे लिखोगे कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड एल एन एम टी बी सर्कल ऑन द एक्सिस
ऑन द एक्सिस कर सकते हो एंड हु सेंटर ओ एंड डैट इज आप सेंटर, ये आप ये इसका क्या करें एक्सिस का सेंटर का भी वर्क कर रहा है वो भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे लिख दोगे रेडियन वगैरह के बारे में भी लिख दोगे आप कि हम यहाँ पे ये एंगल यहाँ से ए माने फिर यहाँ से बी हो गया ये भी माइनस बी आप इस तरह से लिख लोगे। मैं डायरेक्ट मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो जैसे देखोगे हेयर हम ले लेते हैं, जो हेयर हमें क्या क्या प्राप्त है, पी इक्वल टू पी हमें प्राप्त है, पी का कोनेट है कॉस ए और साइन ए। क्यू का क्या प्राप्त है हमें कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी। और हमें आर का क्या प्राप्त है, आर का हमें प्राप्त है कॉस बी और माइनस क्या प्राप्त, माइनस साइन बी। हमें ये क्या है हमें प्राप्त है। और साथ में हमें ये भी प्राप्त है कि एंगल एंगल एल ओ पी ए, देखो एल ओ पी एल ओ पी सॉरी एल एल ओ पी हमें गिवेन है, क्या गिवेन है ए रेडियन गिवेन है, ए रेडियन मतलब हम यहाँ पे दिया हुआ हम लिए भी लिए थे। और एंगल आर ओ एल इक्वल टू क्या है माइनस बी रेडियन। ओके तो अब बताओ तो एंगल एल ओ क्यू, एल ओ क्यू क्या हो जाएगा, एल ओ क्यू क्या हो जाएगा ए और बी, तो एंगल एल ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ओके और आप देखोगे आर ओ पी एंड एंगल आर ओ पी इक्वल टू क्या है माइनस बी रेडियन, मतलब यहाँ से आर ओ एल क्या था माइनस बी रेडियन और एंगल क्या देखें एंगल आर ओ एंगल आर ओ पी तो ए और इसको भी ऐड करना होगा ना हमको, तो ए माइनस बी हो जाएगा बुआ सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। ओके तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू यहाँ पे मैंने जो रेडियस जो लिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने माना ये भी आपको रेडियस का ही वर्क करेगा, तो ये इसको मैंने क्या माना है वन माना, तो ये मतलब वन यूनिट है। यहाँ पे लिख सकते हो सेंस रेडियस ऑफ सर्कल इज यूनिटी डैट इज आप वन ले सकते हो। ओके और आगे की हम बढ़ते हैं। और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यूनिटी था, रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। और कोरेंट आपको क्या है पता है, कोरेंट भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है लिख लिया है। अब याद रखिए वह क्लॉक वाइज रहता है तो हम लोग एंगल को निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज रहता है तो हम एंगल क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है तो आगे देखोगे बुआ यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं नाउ एक ट्रायंगल क्या बन। हाँ तो बाबू यहाँ देखेंगे यहाँ दो ट्रायंगल कंजुगेंट होगी, ट्रायंगल एल ओ क्यू और कंजुगेंट ट्रायंगल पी ओ आर, जिसमें जब कंजुगेंट होगी तो सी पी सी टी सी ए दोनों क्या होगा इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर हम कर सकते हैं। और जब स्क्वायर करेंगे तो बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे क्या करेंगे इसको हम लोग इस पे अरेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बुआ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एल क्यू आपको एल का कोऑर्डिनेट आपको 1 0 दिया हुआ है और क्यू का कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग इक्वल टू देखते हैं, तो इक्वल टू में क्या है हमें पी आर का हमको निकालना है, तो पी आर का निकालना है तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ प्लस होगा बाबू और प्लस इधर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ए माइनस बी है तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी
अब प्लस सॉरी माइनस है तो क्या जाएगा, टू इंटू वन इंटू कॉस ए प्लस बी। ओके फिर प्लस करेंगे, जीरो माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसे माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा, और इस पे भी माइनस सब साइन स्क्वायर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर माइनस ई माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको कैसे जाएगा, हट जाएगा। ओके आगे देखेंगे, इक्वल टू को वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके और इसका हम लोग करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस टू साइन ए इंटू साइन बी। ओके तो हम लोग यहाँ देखते हैं आगे की ओर, वन है तो वन कॉस स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ है और साइन स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। ये क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉस ए प्लस बी। ओके इक्वल टू में देखोगे कॉस स्क्वायर बी ए यहाँ और साइन स्क्वायर ए यहाँ तो वन, और कॉस स्क्वायर बी यहाँ और साइन स्क्वायर बी यहाँ तो क्या हो जाएगा, वन। और यहाँ माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस टू साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ लिख लो माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस टू साइन ए इंटू साइन बी। ओके तो यहाँ पे टू टू हम ऐड करेंगे तो टू को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो वन माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे टू हम फिर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो टू कर लो तो टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ओके प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बताओ टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके तो बाबू यहाँ पे वन से ये वन कैंसिल हो गया, तो बाबू देखोगे यहाँ पे माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी बच गया, तो इसको माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे इधर सर में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बताओ माइनस से माइनस कैंसिल तो हमें क्या गिवन हो गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बाबू हमें यही ना प्रूफ करना था फर्स्ट में, थ्योरम नंबर फर्स्ट में हमें यह प्रूफ करना था कि कॉस ए प्लस बी जो होता है वो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हमें यह प्रूफ करना था। आई होप कि आप समझ गया होगे बाबू, इस वीडियो को आप बैक करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग इसका फिर सेकेंड देखते हैं, हमें सेकेंड क्या प्रूफ करना था, माइनस वाला प्रूफ करना था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, लिखेंगे पुट माइनस बी इन प्लेस, माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस बी जो है ऊपर इक्वेशन फर्स्ट माइनस बी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे माइनस बी। ओके तो पुट करिए कॉस ए प्लस क्या पुट करेंगे, माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए और क्या हो जाएगा, कॉस माइनस बी माइनस साइन ए, हमें क्या पुट करना है, साइन माइनस बी। ओके तो कॉस यहाँ क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस इक्वल टू कॉस
ए अपने पढ़ा है कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉस बी माइनस साइन ए। अब बताओ माइ साइन माइनस बी है तो साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइ क्या हो जाएगा साइन बी। ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर हम लोग ये देखेंगे कि इस बेस पे जो हमने फार्मूला जो पढ़ा है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी पे, इस बेस पे हम लोग कैसे कैसे इसे और फार्मूला और ड्राइव्ड हो जाएंगे उसको हम देखेंगे। तो पहले ये देख लो बाबू कि जैसे अभी आपने पढ़ा कॉस ए प्लस बी पढ़ा और कॉस ए माइनस बी पढ़ा, जैसे देखिए कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स। तो एक चीज़ नोटिस करोगे पाई बाई टू है तो 180 पुट करते हो तो क्या होता है 180 पुट करते हो 180 बाई टू करो तो कॉस 90 माइनस एक्स, तो आपने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, ये आपने पढ़ा है। और इसको हमने इस फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, हम इसको शो करेंगे, तभी इसको हम ए मानते हैं इसको हम बी मानते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी पढ़ा है। तो कॉस ए क्या है कॉस पाई बाई टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है जीरो इंटू कॉस एक्स प्लस और साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है वन इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो इक्वल टू क्या आ गया जीरो प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स। डैट मीन्स क्या हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स, जो आपने टेंथ में पढ़ा है। टेंथ में आपने ये पढ़ा था कि कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स, ये दोनों सेम ही हैं। अब आपको पता चल गया कि ये कहाँ से आ गया, आइडेंटिटी का फॉर्मूला कहाँ से आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन एक्स। जैसे आइए जैसे प्लस उसी तरह हम लोग एक और देख लेते हैं प्लस में, जैसे मैंने माइनस वाला पढ़ा उसी तरह एक प्लस वाला देख लेते हैं पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, हम ले लेते हैं टेकिंग एल एच एस ले लेते हैं, ओके टेकिंग एल एच एस लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का अपने फार्मूला क्या पढ़ा है कॉस ए प्लस बी का हम लोग फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी और क्या होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके माइनस साइन ए इंटू साइन बी ये फार्मूला होता है, ओके तो आगे देखोगे कॉस ए है तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई टू इंटू साइन एक्स। तो कॉस पाई बाई टू का फॉर्मूला क्या कॉस कॉस नाइन्टी का क्या होता है जीरो होता है इंटू कॉस एक्स और साइन पाई बाई टू का वन क्या हो जाएगा इंटू साइन एक्स इक्वल टू जीरो माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे क्या आ गया बुआ कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन एक्स, मतलब ये भी एक क्या है एक फार्मूला ही है जो आपको यूज होगा आगे। ओके थैंक यू।